नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट अपना जो कि ऑर्डर किए थे उसको अगर आपको कैंसिल करना है शिपिड के बाद, यानी कि वो शिप्ड हो गया है उसके बाद, वहाँ पर अगर आपको कैंसिल करने का कोई बटन नहीं मिलता, वहाँ पर कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी आप उस प्रोडक्ट को कैसे कैंसिल कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर तीन लाइन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद माय ऑर्डर्स के अंदर आना है। माय ऑर्डर्स के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया होगा, ठीक है। वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और अभी मान लीजिए उसके सामने अगर कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं है तो उसको कैसे कैंसिल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट कैंसिल किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे इसको मैंने कैंसिल किया है तो आप कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले थ्री डॉट के ऊपर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करोगे फिर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है हेल्प सेंटर, तो यहाँ पर आपको हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे और उसके बाद फिर यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आना और आई वॉन्ट हेल्प विथ अदर इशू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और फिर अदर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो फिर यहाँ पर फिर से अदर के ऊपर क्लिक करना है और फिर कॉन्टैक्ट अस वाले के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस वाले के ऊपर क्लिक करते हो रिक्वेस्ट ए कॉल, 5 मिनट्स के अंदर आपको कॉल आएगा। तो यहाँ पर अब आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में आप बात करोगे कस्टमर केयर से, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर सिलेक्टेड टाइम आपको टाइम सिलेक्ट करना है कि कितने देर के बाद आपको कॉल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे कॉल करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो या फिर यहाँ पर आप सिंपल लिख देना कॉल में, क्योंकि हम बाकी बात तो कॉल पर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉल में लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपको एक कॉल रिसीव होगा जो कि फ्लिपकार्ट वालों की तरफ से होता है और उनको आपको अच्छी तरीके से समझा देना कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसको मुझे कैंसिल करना है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो उनको आप ऐसे सब बताओगे कि मुझे इसको कैंसिल करना है, जो भी आपकी दिक्कत हो वो आप बता सकते हो कि इस वजह से मैं कैंसिल कर रहा हूँ या तो फिर उसका प्राइस ड्रॉप हो गया है या फिर कुछ भी समस्या अगर आपके साथ आ रही है या तो फिर जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसको अगर आपको नहीं अभी लेना है तो आप जो भी है वो आप बता देना और वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर कैंसिल करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, सिर्फ आपके पास डिलीवर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास डिलीवर भी हो जाता तब आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तब वहां पर कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।